हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं सूजी का रस भरी मिठाई बनाने जा रही। खाने में ये बहुत ही रसीला है और ये बहुत ही कम सामान में झटपट बन भी जाता है। जब भी मन करे आपको मीठा खाने का, तो ये सूजी का रस भरी मिठाई आप ज़रूर बनाएं। आइए मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ। इधर मैंने 1 कप सूजी लिया है और 1 कप मैंने दूध लिया, 2 चम्मच मैंने यहाँ घी लिया है। गैस पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें घी को डाल देती हूँ। घी हमारा गरम हो गया है। अब मैं यहाँ पर 1 कटोरी सूजी डाला है, ऐसे मिला लूँगी, बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो सूजी नीचे से चिपक भी सकता है। इसे मिलाते ही रहूँगी। इसे हमें गोल्डन ब्राउन तक नहीं होने देना है, बिल्कुल इसका कच्चापन निकालना है। ये तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 1 कप दूध डाला है, ऐसे मिला लूँगी। सूजी है कि दूध को बिल्कुल ही सोख लिया है। यहाँ पर मैं 1 कप और दूध डाली हूँ, टोटल मैंने 2 कप यहाँ दूध डाली हूँ, ऐसे मिला लेती हूँ। यहाँ पर मैं 4 चम्मच का ये चीनी डाली हूँ, ऐसे भी मिला लेती हूँ ताकि चीनी है जो सूजी में आसानी से घुल जाए। इस सूजी का हमें डो की तरह बिल्कुल तैयार करना है। ये तैयार हो गया, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब इसे 1 प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ, ऐसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। इधर मैंने 2 गिलास पानी लिया है चाशनी के लिए और 2 कटोरी मैंने यहाँ चीनी डाला है। अब इसे ढक देती हूँ। 2 कुटा हुआ मैंने यहाँ इलायची डाला है, थोड़ा सा मैं यहाँ येलो फूड कलर डाली हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसके बिना भी आप चाशनी बना सकते हैं। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इस तरह से हम इसे हाथ से मिला लेते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ हाथ पर घी लगाया है कि ताकि ये चिपके ना, और थोड़ा थोड़ा मैंने इस तरह से तोड़कर हाथ पर गोल बनाकर बिल्कुल इसे पेड़ा को मैं शेप दे रही हूँ। और इसी तरह से मैं सूजी का सारा मिठाई को तैयार कर लूँगी। सूजी का मिठाई मैंने तैयार कर लिया है और इधर हमारा तेल भी गरम हो गया है। अब एक एक करके मैं इसमें डालते जाऊंगी। गैस को मैंने मीडियम ही रखा है, मीडियम गैस पर ये अंदर तक बिल्कुल ही पक जाता है। इस तरह से तेल को मैं चारों तरफ से फैला लेती हूँ और दूसरे तरफ मैं इसे पलट लेती हूँ। दूसरे तरफ भी इसे मैं गोल्डन ब्राउन होने देती हूँ। इसी तरह उलट पलट कर मैं इसे तल लूँगी। ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन का हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। एक्स्ट्रा तेल को मैं इस तरह से निकालते हुए इसे प्लेट में निकाल लूँगी। और इसी तरह से मैं सारी मिठाई को तल लूँगी। इधर हमारा चाशनी भी हो गया, हमें सिर्फ 1 तार का चाशनी ही चाहिए था, ये हो गया है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ और गरम गरम चाशनी में ही मैं इसे डाल देती हूँ ताकि अंदर तक इसका चाशनी घुस जाए। 2 घंटा हो गया है, ये बिल्कुल ही फूल गया है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये जितना देखने में अच्छा है दोस्तों, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। घर पर आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे कमेंट करके